हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, अभी सुबह का 9:30 बज चुके हैं। मैं सुबह उठकर पूरा घर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैं वो वीडियो अब शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो शूट करते करते क्लीनिंग करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, जिसके कारण मैं क्लीनिंग का वीडियो शेयर नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी। तो अभी मैं अलमीरा को सेट कर रही हूँ। सुमित का बहुत सारे कपड़ा था, मैं धोकर रख के दिया था, अभी प्रेस नहीं करूँगी, अभी ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में निकाल के सो इसको प्रेस कर लूँगी। तो अभी मैं अलमीरा को सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं एक एक करके। और सुमित का बहुत सारा कपड़ा ये गंदा होकर पड़ा था, सब आके मेरा घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं हाथों से ही कपड़े को धोती हूँ। तो सुबह सभी कपड़े को धोकर अच्छे से सूखा कर अभी मैं अलमीरा में लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा बहुत सारा कपड़ा है, मेरा थक गई हूँ, मेरे हाथ दुखने लगा है, इतना सारा कपड़ा गंदा होकर पड़ा था। तो सभी कपड़ों को फोल्ड करके मैं अलमीरा में सेट कर लूँगी। आप सबको पता ही है, बहुत दिन से घर में ना रहने से घर का जो हालत होता है वो आप सबको तो पता ही है, मेरा भी वैसा ही हालत था। तो ऑलमोस्ट मेरा सभी क्लीन हो चुका है, अभी मैं बेडशीट कवर को भी चेंज कर लूँगी। पलंग वलंग सब मेरा पोछना हो चुका है, सुबह मैं सब कुछ क्लीन कर लिया है, अभी सिर्फ बेडशीट कवर को चेंज करूँगी। तो उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। आप देख सकते हैं मैं बहुत थक चुकी हूँ ये काम करते करते। और देखिए, ये बेडशीट कवर मुझे बहुत पसंद है, पहले जो था मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैं ऐसे दुकान से ख़रीदा था श्रीरामपुर मार्केट से। तो मुझे बहुत ये बेडशीट कवर अच्छा लगता है, वाइट कलर में हर बेडशीट मुझे पसंद आता है। आपको जिस दिन काम करने का मन नहीं होगा या मन होगा, आप देखिएगा कहाँ कहाँ से काम निकल आएगा, आपका काम ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे मेरे देखिए, मेरा इतना काम मेरा सुबह मैंने कर चुकी हूँ, फिर भी देखिए एक के बाद एक मेरा काम निकल के आ रहे हैं। तो मैं सभी कामों को ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह जब भी काम पर लग जाती हूँ ना फ्रेंड, बिलीव मी, मुझे ब्रेकफास्ट करने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है मैं ब्रेकफास्ट कर ही नहीं पाती हूँ। तो इस टाइम पे मैंने सुबह उठकर, सब भी चले गए हैं, सुमित भी चले गए हैं, मेरे मम्मी जी सो रहे हैं अभी, तो इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिला, तो इसीलिए मुझे काम ख़त्म करके ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या खा रही हूँ चलिए देखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो इसलिए मैं ईपी बना रही हूँ। देख सकते हैं मैं दो ईपी लिया है, ईपी फेवर आ रहा है, तो ईपी लेकर बनाकर मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ। और देखिए मेरा बेड को मैंने कैसे लगा लिया, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। फ्रेंड, जिस दिन मैं मायके से ससुराल आ रही थी, उसी दिन रास्ते पे मैं होम थिएटर को लेकर दुकान पे देख के आई थी। तो अभी हम
सुबह मैंने टारगेट रखी थी कि जैसे तैसे करके मुझे शाम तक मुझे फ्री होना है और होम थिएटर जाके लेके आना है। तो सुमित ऑफिस से आ गए हैं शाम के वक्त, वही मुझे बोला कि बाबू जल्दी से रेडी हो जाओ तो हम दोनों होम थिएटर लेने के लिए जाएंगे। तो वही लेने के लिए हम दोनों निकल पड़े हैं। फाइनली हम लोग का होम थिएटर ठीक होकर आ गए हैं। एक्सपीरियंस।